जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा वर्डपैड। अगर इनकेस नहीं आता है तो आप सर्च भी कर सकते हो। अगर डायरेक्टली डेस्कटॉप से ओपन करना है तो आप क्या करोगे, विंडो प्लस आर, इसको रन कमांड कहा जाता है, यानी कि इस विंडो को हमें रन कराना है, तो हमें वर्डपैड की विंडो को रन कराना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं होम टैब के बारे में। जैसे होम टैब होता है, इसमें होता है हमारा क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है, तो जो क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है उसमें हमारी कमांड्स होती है कट, कॉपी, पेस्ट। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स, इसकी होती है कंट्रोल प्लस सी, इसकी होती है कंट्रोल प्लस वी। फिर इसमें होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट, ठीक है, जिसमें होता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, देन होता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, इसको हम 8 से लेकर 72 तक फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। देन इसमें होता है फिर ड्रॉ फॉन्ट, अगर आपको 72 से अवर चाहिए फॉन्ट का साइज तो आप कहाँ जाएंगे, ग्रो फॉन्ट में। फिर इसमें होता है आपका श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, फिर इसमें होता है आपका बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक, देखिए बोल्ड का सिंबल ये होता है, इटैलिक का आपका अंडरलाइन, यानी आपने कोई हेडिंग्स वगैरह दी है उसके नीचे अगर हमें अंडरलाइन वगैरह लगानी है तो आप कहाँ जाएंगे, अंडरलाइन में। फिर होता है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, यानी किसी भी सिंबल्स को, नंबर्स को या वर्ड को हमें डाउन साइड में लिखना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। अगर हमें नंबर ऑफ द पावर लिखना है तो आप कहाँ जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट। फिर इसमें होता है हाईलाइट, हाईलाइट क्या होता है, आपने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा उसमें कोई वर्ड हमें अगर हाईलाइट। फिर इसमें होता है फॉन्ट कलर, देखिए फॉन्ट कलर क्या होता है, जैसे कि पैराग्राफ में हमें किसी भी पैराग्राफ का फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें है आपका, हाँ ऑलमोस्ट हो गया। फिर होता है पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है, इसमें होता है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी किसी भी हेडिंग्स को हमें लेफ्ट में करना है, राइट में करना है तो आप कर सकते हो, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट और अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट राइट। फिर होता है सेंटर, जस्टिफाई, देन इसमें होता है फिर लाइन स्पेसिंग, यानी जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसके बीच में हमें कितना स्पेस करना है। फिर इसमें है आपका इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, फिर इसमें होता है आपका डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इसमें आपका स्टार्टर लिस्ट भी होता है जिसमें आपको बुलेट्स भी मिलेगा, नंबर्स भी मिलेगा, इसको स्टार्टर लिस्ट। हम लोग बात करते हैं इंसर्ट ग्रुप की। देखिए इंसर्ट में क्या होता है, जैसे हमें अपने पैराग्राफ में कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, देन इसमें पेंट ड्राइंग भी होता है, यानी कि अगर हमें पेंट की विंडो में कुछ वर्क करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। फिर होता है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आप ये भी ले सकते हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारी विंडो होती हैं, जैसे पेंट की भी होती है, एक्सेल की भी होती है, वर्ड की भी होती है, तो जिस विंडो में भी जाके आप वर्क करोगे वो वर्क आपके फाइल में आ जाएगा। फिर होता है एडिटिंग ग्रुप, एडिट, इसमें होता है फाइंड, रिप्लेस, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। फिर बात करते हैं हम लोग व्यू टैब के बारे में। देखिए व्यू टैब क्या होता है, इसमें होता है जूम, अगर हमें अपने पेज का साइज जूम इन करना है, जूम इन, ठीक है, पेज का साइज हमें जूम आउट करना है, जूम आउट यानी डिक्रीज करना है,
अगर ज़्यादा ही साइज़ बड़ा हो गया है, ज़्यादा ही साइज़ पीस का छोटा हो गया, वन टाइम में हमें 100% करना है, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। फिर इसमें होता है आपका शो एंड हाइट, ठीक है, इसमें होता है रूलर, फिर स्टेटस बार जो बॉटम ऑफ द विंडो होता है, ठीक है, स्टेटस बार। फिर इसमें होता है आपका सेटिंग में होता है वर्ड रैप, जो पेज होता है वो हमारा अकॉर्डिंग टू रूलर भी रहता है, अकॉर्डिंग टू विंडो भी आप कर सकते हो। फिर इसमें आपका होता है मेजरमेंट यूनिट, यानी जो रूलर होता है आपको उसको किस में शो करना है, सेंटीमीटर में, इंचेस में, पॉइंट्स में, तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट।